नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि हमारी मार्केट के अंदर अभी HDFC बैंक की जो न्यूज़ है वो चल रही है, और आपने देखा जैसे ये न्यूज़ का इम्पैक्ट जो हुआ मार्केट के अंदर, गैप अप खुला था मार्केट के अंदर HDFC बैंक और आपका मार्केट निफ्टी को और बैंक निफ्टी को लेकर भी HDFC बैंक ने ऊपर की छलांग लगाई है। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी टारगेट दे रखा है 25,000 के लेवल का, जो कि मुझे लगता है कि अगले 2 महीने के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। और साथ में मार्केट का जो नेचर है कि भाई 24,000 का लेवल जो है वो डिफेंड हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर 24,000 का लेवल जिसकी हमने बात की थी कि भाई 23,985 के लेवल के नीचे ही कुछ सोचना, अगर शॉर्ट करना है तो अदरवाइज शॉर्ट मत करना गलती से भी। तो यहाँ पर वो चीज़, उस चीज़ का फ़ायदा देखा आप लोगों ने कि भाई लगातार मार्केट ऊपर ही जाती जा रही है, और जो अपना लेवल था 24,346 का वो टारगेट आज अचीव हो भी गया है। अब आगे क्या, देखिए दोस्तों, मार्केट में कभी भी ऐसे मार्केट जब जाती है ना ऊपर तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं जाएगी, इस बात का ख्याल रखना। कैसे जाती है, देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, एक दो दिन कन्फ्यूजिंग क्रिएट किया माइंड में लोगों के, फिर मार्केट ऊपर गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ ना, इस कन्फ्यूज़न में लोग मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाए कि मार्केट अभी और ऊपर जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर होगी, ठीक है। तो 2-3 दिन ख्याल रखना क्या, कि यहाँ पर मार्केट एक छोटा डिप, मतलब बहुत बड़ा डिप नहीं कह रहा मैं, छोटा मोटा डिप, लेकिन डिप के अंदर बाय ही करना है। अभी तक के डाटा के हिसाब से डिप के अंदर हम लोग बाय ही करेंगे। मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, आप लोग अपना डिसीज़न अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से लेके करना। तो मैं तो अपना बता रहा हूँ आपको, अपनी स्ट्रेटजी कि जो भी थोड़ा बहुत डिप मिलेगा वहाँ पर थोड़ा सा मार्केट ना परेशान करे 2-3 दिन, मज़ा आएगा। फिर 2-3 दिन परेशान करेगा ना मार्केट और फिर निकलेगा ना, तो फिर एक अच्छा मूव अपने को फर्दर मिलेगा, जैसे कि ये वाला मिला था, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही प्रेडिक्शन जो है अभी बन रहा है। तो यहाँ पर हर डिप के अंदर पॉजिटिव माइंडसेट ही रखना। 23,985 का जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा आपकी किसी भी टाइप के बुलिश के पोजीशंस के अंदर, ये याद रखना। तो प्रेडिक्शन मैंने आपको बता दिया कि जो मुझे एक्सपेक्टेड है वैसा, यहाँ पर मुझे क्या एक्सपेक्टेड है मैंने आपको समझा दिया है। बात कर लेते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी ने हमारा जो लेवल था 21,957 का, ये मैंने ड्रॉ कर रखा था लास्ट वीडियो में, रेगुलरली ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। और मार्केट जब तक इसके नीचे नहीं जाता हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे, ये बात हुई थी। और देख सकते हो आज मार्केट ने रिसेंटली मतलब ऑल टाइम हाई दोबारा बना लिया। और अब क्या है, अब देखो यहाँ पे मार्केट ने ना इसका ब्रेकआउट दिया था, ठीक है, ब्रेकआउट रीटेस्ट हुआ, फिर एक नया ऑल टाइम हाई बनाया। अब थोड़ा सा यहाँ पे टाइम पास करता है ना, तो मार्केट ना कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है लोगों के माइंड में, और लोगों को बाय करने से डर लगता है फिर। और मार्केट में जब तक लोग बाय नहीं करेंगे तब तक मार्केट जो है स्ट्रेंथ में रहेगा, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट करके लोगों को बेरिश बना के, लोगों की पोजीशंस को बेरिश में रख के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की, तो उसके बाद ब्रेकआउट देगा तो मज़ा आएगा, ठीक है। सो अभी 2-3 दिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डिप ले, परेशान करे, कंसोलिडेशन करे, उसके बाद निकले तो मज़ा आएगा, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। बात कर लेते हैं हम HDFC बैंक की। तो HDFC बैंक जो है वो क्या चाहता है, HDFC बैंक का चार्ट खोल रहा है, उसके बाद हम देखेंगे कि HDFC बैंक के अंदर हमने क्या डिसाइड किया था और मार्केट में क्या हुआ HDFC बैंक के। जब तक हम देख लेते हैं कि भाई डाटा पॉइंट्स क्या करें, डाटा पॉइंट्स में देखिए रिटेल ट्रेडर्स जो हैं नेगेटिव ही हैं, कब से हैं, 19 जून से, बल्कि 18 जून से नेगेटिव ही हैं। 18 जून को डेट आप देख सकते हो, 18 जून को मार्केट कहाँ था, 23,500 के आसपास था, तब से नेगेटिव ही हैं, उनकी पोजीशंस यहाँ आपके सामने हैं। 23,500 से मार्केट तकरीबन आज 400 का लेवल, 900 पॉइंट मार्केट मूव कर गया। क्यों कर गया, क्योंकि रिटेल हमेशा नेगेटिव ही रहा है, अभी भी अच्छा खासा नेगेटिव है, 4.5 लाख पोजीशंस नेगेटिव हैं इसकी, तो ठीक है, इसको नेगेटिव बनाए रखने के लिए मार्केट थोड़ा बहुत डिप लेगा तो ये और ज़्यादा नेगेटिव बनेंगे और फिर
वही वाली बात, जितने ज़्यादा नेगेटिव बनेंगे ये लोग रिटेल ट्रेडर्स, उतना ज़्यादा मार्केट आगे मूव करेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ख्याल रखना, डिप आता है तो उसको कैप्चर करना, डिप में अपॉर्चुनिटी ढूंढना, आपको ज़्यादा फायदे का सौदा रहेगा। एक मिनट रुकिए, चार्ट नहीं ओपन हो रहा है तो मैं यहाँ पर इसको रीलोड कर लेता हूँ। चलिए, चार्ट तो नहीं ओपन हो रहा, हम बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। तो निफ्टी की ऑप्शन चेन आपके सामने है, यहाँ पर 200 के लेवल तक कभी भी डिप आता है तो मतलब घबराना मत, क्योंकि 200 के लेवल के ऊपर अच्छा खासा सपोर्ट है। ठीक है, बाय ऑन डिप ही करना है। और ये अगले हफ्ते की ऑप्शन चेन है आपके सामने, यहाँ पर आप देखेंगे तो 24,500 तक के लेवल भी ओपन है अगले हफ्ते की ऑप्शन चेन में, लेकिन एक डिप बनता है, डिप के अंदर बाय बनता है ऐसा मेरा मानना है। और यहाँ पर अभी चार्ट्स ओपन नहीं हो रहे तो मैं बैंक निफ्टी और रिलायंस दोनों की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और यहाँ पर ये पोजीशंस हैं आपके एफआईआईस की, इनकी बात करें तो यहाँ पर दोनों के दोनों मतलब जो एफआईआईस हैं वो केवल और केवल इस वक्त लॉन्ग की पोजीशंस बना के चल रहे हैं, शॉर्ट उनके पास है ही नहीं। तो कोई भी डिप आएगा तो वो ऊपर ही लेके जाएंगे क्योंकि उनको लॉस हो जाएगा अगर डिप आता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें कि वो एक तरफा चल रहे हैं इस वक्त और एफआईआई ही ड्राइव कर रहे हैं मार्केट को, और ये एक अच्छी बात है। ठीक है, तो आपने देखा कि एफआईआईस अभी भी मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं। दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।